जा रही हूँ, बच्चे भी उठ गए। मेरी हो चुकी है, अब देखते हैं आगे क्या करना है। मैं आपको दिखाती हूँ तुम्हारा दिल्ली के लोगों को है इतने धीरे धीरे काम करती हो। 12 बज गए। पंजाब के लोगों को भी अब 1 सितंबर से मैंने कब से पूजा कर ली है पता तुम्हें? बिल पे जीरो लिखा। 10 बजे पूजा कर ली, 2 घंटे हो गए तुम्हें। 2 घंटे से तुमने काम नहीं, खाना नहीं बना भी। अब मैं सोच रही हूँ मैं क्या बनाऊँ, और समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या बनाऊँ। टीवी बंद करो, खाने में क्या खाओगे वो बताओ। क्या खाओगे खाने में? क्या खाओगे ये बताएंगे, क्या खाएंगे? ये चांदी की दाल और सोने की रोटी। चांदी की दाल और सोने की रोटी खाएंगे ये। बहुत लखपति समझते हैं ये मेरे को, करोड़पति, करोड़पति, सॉरी करोड़पति। पर है कुछ नहीं, ठंडन गोपाल है, मूंग की दाल खिलाऊंगी। अभी सेव खा रहे हैं। नहीं काटते थे पूरा, तब लोग कहे मजूदा वो उसके बचाए हुए को चांदनी तनात है। भूखन में रूखन की चाल पीस पीस खाई, अब रस की जलेबी किरकिरी बताओ। वाह वाह वाह, समझाओ हिंदी में, समझाओ हिंदी में, समझ लो इसका अर्थ क्या है। काटते थे पूरा, जब मजूरी करते थे तब लोग काटते मजूर है। हाँ। काटते थे, पैसा आ गया थोड़ी सी वो बढ़ गई, कहीं से झटक लग हुई के बढ़ गई, तो उसके बचा गए उस जो पड़ा थे बाबू के लिए चांदनी इतना छाता लगाए के जाते जुकाम ना हो जाए। पहले खेती करते थे तो गेहूं काटते थे तब गर्मी नहीं लगती थी, और अब बहुत सारा साधन है, सुख सुविधाएं हैं, तो अब जो ओस पड़ती है ना उससे भी चांदनी तनवा देते कि वो ओस हमारे ऊपर न गिर जाए। और भूखन में रूखन की, और भूखन में लगती थी तो पेड़ की छाल उपाट उपाट करके बारीक करके वो खाते थे। अब रस की जलेबी, अब बढ़िया घी की जलेबी, रस की मिल रही तो उन्हें किरकिरी बता रहे, थोड़ी सी खिसक रही है, थोड़ी सी खिसक रही है। तो ये ऐसे मुहावरे बहुत सारे देते हैं, इनसे कुछ भी बात करना, ये तर्क वितर्क करके उसको कुछ ना कुछ तुम्हें समझा देंगे। और देखते रहना जब तक ये हमारे घर में रहेंगे, आपको थोड़ा सा बराबर मिलता रहेगा और आनंद आएगा। अब इनके लिए मैं कुछ बना दूँ, क्या खाओगे फिर आज? घी की जलेबी? घी है कहाँ, अब नकली से काम चलाने पड़े, बस ये है काम। आओ, दूध वाला नकली दूध दे के जा रहा है, कल उस दूध वाले का रिमांड लेंगे ये। आज नहीं लाओ, आज तुम थे नहीं ना। तो मैं बना रही हूँ आज कढ़ी, कढ़ी और चावल और रोटी। तो हम लगते हैं अपने काम पे, ये अभी अपने काम पे लगी हुई है, जल्दी से नहा लो। सही बताओ, पहली बात तो मैं ऐसे में बात ही नहीं करूंगी। कर तो रही है, ये देखो बात पूरी करी और कह रही ऐसे में मैं बात नहीं करूंगी। चलो भाई मैं तो अपनी कढ़ी बनाती हूँ, कढ़ी बना के मिलते हैं फिर। तो दही को छान रहे हैं, इसका खट्टापन दूर हो जाएगा, खट्टा ज्यादा है ना तो इसका खट्टापन कम करने के लिए इसको छान रहे हैं। अब क्या करोगे इसे? भगवानी बनाओगे तो दूसरा पानी डालोगे? ऊपर से दबा ऐसे ऐसे चलो हम आपको कढ़ी बना के दिखाते हैं फिर। कढ़ी चावल रोटी सारा खाना बना के खाते हैं फिर। खाना बन गया है, कढ़ी रोटी और चावल, सारे लोग खाने पे आ गए हैं। देखो कढ़ी कैसी बनी है, कैसी बनी कढ़ी? कह रहे बहुत बुरी मटा बुरी बनी, सच में ही है अच्छी बनी है, दही छनवा के बनवाई है। हेलो, तो हम अब शाम हो चुकी है, अब देख लो ये मम्मी लटका के बैठी हैं, भूख लग रही है क्या खाएं, तो मेरे ये पड़े हैं भूख लग रही क्या खाएं, ये पढ़ने आई फिर ये भी कह देगी कि कुछ मुझे भी खाना है। क्या खाना है बताओ फिर, तो आपको बताओ ना क्या खाना है। 10-10 बार बताइए, गोलगप्पे, गोलगप्पे भाई, गोल गप्पे गाने ने तो गप्पे मारे नीचे रख लेती हूँ भाई। ये ब्लॉग नहीं बनाने देते मुझे ढंग से, प्लीज आप सब्सक्राइब कर देना जैसा भी बने।
और लाइक भी कर देना, मैं इनको फोन दे देती हूँ। हमें अपनी सेहत का ध्यान रखते हुए थोड़ा ही थोड़ा बनाया, ज्यादा नहीं है, क्योंकि अभी गोलगप्पे भी खाने हमें। आ जाओ, सूप तैयार हो गया है डैडू। ओ डैडू शिवी आओ, ये हमारे घर में सेफ आ चुके हैं, इनको सारी चीजें चेक करके सब स्वाद के बारे में इन्हें पता है, और अभी इनका मुंह देखना जरा कैसा बनता है। सूप पी लो डैडू, उठ जाओ। डायलॉग सुनो सूप के ऊपर, घर को कहा घर में जा अर्ग जा लीपन धूल धारे भवन सजोरी मन। और गोलगप्पे हो गए हैं सिक्के तैयार, अब बनाते हैं इसका पानी के लिए की चटनी, धनिया मिर्ची। पानी तैयार हो गया, कितना मस्त पानी, और ये गोलगप्पे तैयार हो गए हैं भाई। आलू और चने लेके आओ, वो रह गए अंदर किचन में ही, बहुत बेसब्री से इंतजार है इन्हें गोलगप्पे के, बहुत बड़े शौकीन है। गोल प्लेट्स आ गई हैं भाई, और हमारे गोल गप्पे एकदम रेडी है, खाने वाले भी बैठे हैं। शिवम जल्दी आओ, खा गए ये मोटू पतलू की जोड़ी। ये पतलू ये मोटू इनकी जोड़ी, अब देखते हैं इनमें से कौन कितने खाता है, कॉम्पिटिशन चलेगा भाई। अब कम हो रहा है ना, नाना बहुत शौकीन है गोल गप्पे की, लो ये बताएंगे भाई मास्टर से। ये कहीं पे फोकस निकल दे, ये खाते ही इन्हें दोबारा नहीं चाहिए दूसरा। मुंह तो दिखाओ कैसे होएगा। एक खा के दोबारा नहीं खाएंगे, गोलगप्पे बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं जब से मुंह में पानी लिया गया। और ले लो एक, अरे एक और ले लो। देख लो गोलगप्पे साफ हो चुके हैं, और ये कटोरे का पानी भी खत्म, और ये दोनों ही साफ कर गए, और कंपटीशन अभी किसी का भी नहीं हुआ, खत्म गोलगप्पे खत्म। इन्होंने हार नहीं मानी है, और मैं अब बना भी नहीं रही इनके लिए, और इनके पापा और इनका भाई अंदर बैठा है, उनके लिए बनाने पड़ेंगे दोबारा से, ये तो सारे साफ कर दिए। किसके कितने हो गए, दोनों के बराबर? दोनों ने 15-15 खा लिए, और अभी भी मुंह देख रही हूँ, हाथ देखो ना पूरी प्लेट भरी हुई थी। 15-15 साफ कर दिए, 5-5 ही रखे, मतलब 20-20 गोल कप उड़ा गई तुम दोनों। कंपटीशन के चक्कर में हम आते, हमें तो दो ही मिले, इनके ही रह गए, 20-20 खा गए, फिर भी कंपटीशन पूरा नहीं हुआ, दो महीने खाए बस। कॉम्पिटिटर टफ नहीं है, स्वाद लग रहे हैं। तुम एक ही खाओगे कि और सीखू, और से तो ये भाई डाइटिशियन है हमारे घर में, ये ज्यादा कुछ नहीं खाते, इसलिए हमें ज्यादा चिंता नहीं होती। कह रहा है ये की बहुत है। क्या पूरा रख के तो सीखने पड़ गए मेरे को, सारे खत्म हो गए थे। मिल गए आखिरकार आपको बोल रहे, अब सारे आप खाओगी ये वाले हुँ? ये वाले सारे आप खा लोगी? तो मैं नहीं देंगे, पापा खाएंगे और भैया खाएगा। टेस्ट तो करा दो ये वाले कैसे हैं। ना बिल्कुल नहीं, 20 खा के नहीं चैन पड़ा। 20 मारे रखते भाई, पेट में मारी बाजी भाई, तीन ही बज रहे पा, नाना के तीन ही बज रहे लग रहे, बहुत टेस्टी लग रहा, मस्त। तुमने गिराया इतने बच्चों की तरह, खाओगी? आप खाओ, इस ब्लॉग को मैं समाप्त करती हूँ, मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक आप वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय, गुड नाइट।